तो गाइस आज की GTA 5 की दुनिया में बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि अभी एक घंटे पहले अपने माइकल फ्रैंकलिन ट्रेवर एक पार्टी में गए थे। और जैसे ये सारे अपने घर पे गए, अपने माइकल ने देखा कि उसके घर पे काम करने वाली बाइक को किसी ने बीच में से काट रखा था। और जैसे ही अपने फ्रैंकलिन और शिनचैन अपने घर पे गए, इन्होंने देखा कि पेनीवाइज एक क्रिएचर के साथ मिलके अपने चोप को कंधे पे बिठा के जंगल की तरफ भागते हुए जा रहा है। और हाँ गाइस, हमें अपने चोप के घर से एक मैप मिला है और उसके अंदर यहाँ की लोकेशन दे रखी है। शहर से यहाँ पे जाने के बाद हमें कुछ पता चल जाए तो एक काम करते हैं, हम चारों वहीं पे चलते हैं। तो माइकल ट्रेवर शिनचैन जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। और इसी के साथ अपने माइकल दादा अपने साथ ये वाले जीप लेके आए थे। एंड गाइस, इसी जीप में बैठ के हम चारों जाने वाले उस वाली जगह पे। तो गाइस यार, इसी के साथ यहाँ पे रात हो चुकी है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात समझ नहीं आ रही कि अपने चोप को तो पेनीवाइज लेके गया था, लेकिन अपने माइकल की फैमिली को कौन लेके गया? और यहाँ तक कि इसकी काम करने वाली बाइक को किसी ने बीच में से काट रखा था, क्योंकि अपना पेनीवाइज किसी को बीच में से काटता नहीं है, वो इंसानों को सीधा मार के खा जाता है। तो ये बीच में से काटने वाला काम कौन सा क्रिएचर कर सकता है? अरे फ्रैंकलिन भाई, मैं कुछ बोलूँ क्या? अबे हाँ शिनचैन, बोलना। अरे फ्रैंकलिन भाई, मेरे स्कूल के दोस्तों ने मुझे बताया था कि अपने लॉस सैंटोस के पहाड़ों में एक साइनहेड नाम का क्रिएचर रहता है, जो कि लॉस सैंटोस की गुफाओं में रहता है। अरे ओ माय गॉड, गाइस यार, अपने शिनचैन ने तो सही याद दिलाया, अपनी माइकल की फैमिली को सायरन हेड ने किडनैप करा है, क्योंकि इतने गंदे चीरफाड़ तो अपना सायरन हेड ही करता है। शिनचैन भाई, तूने एकदम सही याद दिलाया। लेकिन भाई साहब, ये सीन क्या बैठ गया? अपना पेनीवाइज और सायरन हेड साथ में कब से हो गए? तो गाइस, यहाँ पे मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, जाके साथ में दबा दो, ताकि हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। तो गाइस, एक काम करते हैं, अब हम जल्दी से उन सभी क्रिएचर्स के पास चलते हैं। एंड गाइस, इसी वाले माउंटेन के ऊपर जाके वो लोकेशन आने वाली है। ओह माय गॉड, कितना ज्यादा सुनसान इलाका है। और गाइस, बीच में ये रिवर हमें पार करनी पड़ेगी, वो भी एक बोट के अंदर बैठ के। एंड देन उसी के बाद हम उस वाली लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। अरे फ्रैंकलिन भाई, अच्छा हुआ कि अपने माइकल दादा की जीप में गन लगी हुई है, इससे हमें डर नहीं लग रहा। अरे गाइस, अपना शिनचैन सही कह रहा है यार, यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नहीं है। अच्छा हुआ हमारे साथ माइकल और ट्रेवर भी आ गए। और गाइस, वेट अ मिनट, शायद से हम लोग बोट की लोकेशन पे आ चुके हैं। ओह माय गॉड, जल्दी से अब तुम सारे कार में से उतरो। तो गाइस यार, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वेदर कितना ज्यादा चेंज हो चुका है, और ऊपर से स्नोफॉल भी गिरी है, यहाँ पे ठंड भी कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है। और गाइस, यहाँ पे हमने बैठ के एक प्लान बनाया है कि अपना फ्रैंकलिन अकेले ही इस डरावनी नदी को पार करने वाला है। और जैसे ही अपना फ्रैंकलिन इनको आवाज लगाएगा, ये तुरंत अपने फ्रैंकलिन के पास आ जाएंगे। अबे शिनचैन भाई, बाय बाय मत कर, मैं अभी आ जाऊंगा। और गाइस, वो देखो जहाँ पे वो लाइट दिख रही है, हमें इस वाली बोट से वहीं पे जाना है, और वहीं पे अपने चोप और अपने माइकल की फैमिली हो सकती है। तो गाइस यार, इसी के साथ अपना फ्रैंकलिन इस वाली बोट के अंदर बैठ चुका है। लेकिन गाइस यार, मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे वेदर एकदम इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया। कहीं अपने पेनीवाइज और साइन हेड को पता तो नहीं लग गया ना कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। एनीवेज गाइस, एक काम करते हैं, हम लोग जल्दी से वहाँ पे चलते हैं। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। तो फ्रैंकलिन भाई, काम कर, अपनी बोट को यहीं पे पार्क कर दे। और गाइस यार, एक सेकंड, इस वाले किनारे पे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है? और गाइस, ये म्यूजिक की आवाज तो बढ़ती जा रही है। एक सेकंड, अरे ये कौन है और यहाँ पे ये डांस क्यों कर रहा है? अरे बाप रे गाइस यार, ये बंदा कहाँ पे भाग रहा है? ओ तेरी गाइस यार, वो क्या चीज है? और वो उसके पास क्यों गया? और यहाँ पे इसने कितने सारे बंदे मार रखे हैं? ये कैसी आवाज निकाल रहे? जल्दी भागो गाइस यार, देखो वो वाला बंदा भी यहाँ से भाग रहा है। गाइस यार, ये था क्या? ना ही अपना साइन हेड था और ना ही अपना पेनीवाइज था, और उसने कितने सारे बंदों को मार रखा था। अबे भाई, कहाँ भाग रहा है? मुझे भी अपने साथ ले ले। और गाइस यार, यहाँ पे अपने फ्रैंकलिन के फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे, तो मैं अपने माइकल ट्रेवर को फोन कैसे करूँ? एक सेकंड, एक सेकंड गाइस यार, ये सायन हेड की आवाज आपको भी आई क्या? भाई साहब, कितनी तेज आ रही है, लगता है कि वो मेरे आसपास ही है। जल्दी भाग फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन भाई, एक काम कर, तू अपने हाथ में गन निकाल ले और अपनी टॉर्च अंदर रख ले, क्या पता वो क्रिएचर कहीं से भी आ सकते हैं। गाइस यार, और वो देखो गाइस, मुझे वहाँ पे थोड़े बहुत घर और दिख रहे हैं। एक काम करते हैं, वहीं पे चलते हैं। गाइस यार, ये देखो, इन वाले घर के अंदर तो सभी की लाइट ऑन है, और यहाँ पे कितने सारे घर हैं। लेकिन गाइस यार, मुझे इस वाले घर के अंदर
से बहुत तेज आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है इसके अंदर कोई है। एक काम करते हैं, इसके अंदर चलते हैं, और खिड़की में से कुछ दिख भी नहीं रहा। गाइस हमें घर के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो चलो गाइस यार, इसी के साथ हम लोग घर में आ चुके हैं। लेकिन एक सेकेंड गाइस यार, इस वाले घर के अंदर इतनी सारी लाशें कहाँ से आई और इतना सारा खून कहाँ से पड़ा हुआ है? और वेट अ मिनट, अंदर से मुझे कैसी आवाजें आ रही है? गाइस मुझे तो कुछ ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी लाशें पड़ी हुई है। कौन है अंदर, मुझे अभी बताओ। ये क्या चीज है रे गाइस, ये इतने बड़े बड़े हाथ किस चीज के है? अरे नहीं गाइस, ये तो अपना साइन हेड है फ्रैंकलिन भाई, जल्दी भाग। गाइस यार ये तो अपने फ्रैंकलिन को भी जान से मार देगा। अरे फ्रैंकलिन भाई जल्दी भाग यार, वो पहले भाई हमारे पीछे आता ही होगा। गाइस अपना फ्रैंकलिन यहाँ पे अकेले आ गया क्यों? क्योंकि यहाँ पे और भी ज्यादा क्रिएचर होंगे। अरे नहीं, मैं कहाँ गिर गया? अरे गाइस यार, अभी अपना फ्रैंकलिन बड़ी तेज गिरा। अपने फ्रैंकलिन को यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। और एक सेकंड, ये कहाँ से आ गया? अरे ये मेरे साथ क्या हुआ? और मेरे सर में इतनी तेज दर्द कैसे हो रहा है? और वेट अ मिनट, यहाँ पे सुबह कैसे हो गई? और साइरन हेड कहाँ पे गया? अरे गाइस यार, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था। जब मेरे सामने साइरन हेड आया था, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। और यहाँ पे सुबह कब हो गई? और एक सेकेंड, अपने माइकल ट्रेवर शिनचैन तो वहां पे थे, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? अबे फ्रैंकलिन भाई जल्दी भाग। गाइस हमें जल्दी से इस वाली बोट में बैठना पड़ेगा। तो चलो गाइस, इसी के साथ अपना फ्रैंकलिन निकल चुका है। लेकिन अपने फ्रैंकलिन को अभी भी याद नहीं आ रहा कि इसके साथ रात में हुआ क्या था। और अपने माइकल ट्रेवर शिनचैन ठीक तो है ना? पता लगे रात में साइरन हेड और पेनीवाइज ने उनके साथ कुछ कर दिया हो। नहीं फ्रैंकलिन भाई, नहीं, क्या सोचा है यार? गाइस हमें कैसे भी करके जल्दी से उन तीनों के पास जाना पड़ेगा। लेकिन वेट अ मिनट, वहां पे मुझे अपनी कार तो दिख रही है, लेकिन अपने माइकल ट्रेवर और शिनचैन नहीं दिख रहे। कहीं गाइस उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया ना? या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तीनों रात में ही अपनी गाड़ी के अंदर सो गए हो। लेकिन मुझे डर लग रहा है, कहीं साइरन हेड और पेनीवाइज ने उन्हें कुछ कल तो नहीं दिया। गाइस यार, इसके पास तो कोई है भी नहीं, और अंदर कोई भी नहीं सो रखा। इसका मतलब वो तीनों भी गायब हो चुके हैं अपनी फैमिली की तरह। गाइस यार ये क्या हो गया? और एक सेकंड, उस वाले ट्रक के ऊपर कौन लेटा पड़ा है? गाइस यार ये अपना शिनचैन है क्या? अरे हाँ गाइस, ये तो अपना शिनचैन ही है। अबे शिनचैन भाई क्या हुआ, जल्दी उठ। गाइस यार मुझे लग रहा है इसके साथ कुछ हुआ है, और ये तो बेहोश पड़ा है। एक काम करता हूँ, इसके ऊपर पानी फेंक के मारता हूँ। तो चलो गाइस यार, फाइनली अपना शिनचैन यहाँ पे हो चुका है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है। अरे फ्रैंकलिन भाई मुझे बचा लो यार, जल्दी से यहाँ से भागो। अबे शिनचैन लेकिन हुआ क्या, जल्दी से मुझे बात तो बता। अरे फ्रैंकलिन भाई क्या ही बताऊँ यार, जब आप वहाँ पे अकेले चले गए थे तो हम तीनों यहाँ पे आराम से बैठ के गेम खेल रहे थे, और उसी के बाद हमें बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आई, और तभी हमने पानी में देखा कि बहुत ही ज्यादा बड़ा साइरन हेड पेनीवाइज के साथ आ रहा है। और फ्रैंकलिन भाई वो अपने माइकल और ट्रेवर को साथ ले गए, और उन्होंने मुझे यहाँ पे बेहोश कर दिया था। अरे नहीं गाइस यार, हम तो अपने चोप और अपने माइकल की फैमिली को बचाने के लिए आए थे, और ये तो उल्टा ही हो गया। यहाँ पे अपने माइकल और ट्रेवर भी गायब हो चुके हैं। गाइस आई डोंट नो, अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ तो शिनचैन, तुझे अपनी ऑडियंस से कुछ बोलना है क्या? हाँ फ्रैंकलिन भाई, तो गाइस अगर आपको आज वाली वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और हाँ गाइस, अगर आपको इस वाली सीरीज का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।